ससुराल वाले मेरा यौन शोषण कराते हैं, न्याय नहीं मिला तो मैं इस्लाम धर्म छोड़ दूंगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गर्भवती महिला मुस्लिम महिला खुलेआम इस्लाम मजहब को छोड़ने के लिए कह रही है। अच्छा, क्या कहाँ क्यों आयो आशीर्वाद ले, क्या मामला है? मतलब ससुराल वाले से पति भी पति गैर मर्दों के पास ले जाकर गलत काम करा गए, उनसे पैसे लेते थे गलत काम कराते थे। आपकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी? मेरी शादी अली शेर से हुई थी, बेहड़ा था, बेहड़ा साधा थे ना, ककोली थाना। कब हुई थी? 2018 में। अच्छा, उसके बाद से क्यों परेशान कर रहा है, किस तरह से परेशान करता है? उसके बाद से पहले उनसे परिवार वालों ने परेशान किया, फिर काम वाम नहीं करता, शराब पीता है, नशे के इंजेक्शन लगाता था और गलत आदमियों के साथ ले जाते, मतलब मुझसे गलत काम करा गए, उनसे पैसे लेके गलत काम कराता था। और जो मेरे देवर जी थे वे भी इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे, जब मैं अकेली रहती थी घर पर, तो मेरे देवर जी ने सोनू है, गुलशेर है, मेरा जेठ, उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया जबरदस्ती। ये बात मैंने उनके घर को बताया। अच्छा, अभी आप पेट से हैं? 9 महीने की प्रेगनेंसी है। तो ये किसका बच्चा है? मेरे पति का, अली शेर का जी। और ये बात जब उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया देखते उनके घर को बताया मैंने, उन लोगों ने मुझे मारपीट की बहुत ज़्यादा। तो नहीं, गर्भवती होने के बाद भी वो आपसे वैसे बात कराता है? जी, इस बात के ऊपर ही मैं उनसे अलग हुई, मैं पेट से थी, इस वजह से मुझे मारपीट करते थे कि जो हम कह रहे हैं वो करो। पेट से मैं ऐसे कैसे करूँगी, मैं परेशान हूँ इतनी ज़्यादा, मैं कब तक उन लोगों का जुर्म सहूँगी? अभी आप क्या चाहती हो? अभी मैं चाहती हूँ उन लोगों को मुझे इंसाफ मिले, बस उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया सब ने। अच्छा, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या कदम उठाएंगी? जान दे दूँगी मैं अपनी, क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी जी के, मुझे न्याय चाहिए बस।